हेलो दोस्तों, और आज की डेट है 4th November 2019 और मैं सौरभ और ब्रह्मा यहाँ पर आ रखे हैं। अभी मैं वीलॉग बना रहा हूँ ब्रह्मा, इसलिए फोटो बाद में खींचे। और ये रहा ब्रह्मा, और मैं बता दूँ तो अभी मैं सिग्नेचर ब्रिज पर हूँ दिल्ली के, और फोटो भी देखो अच्छा फोटो खींचा है, और यहाँ पर वीडियो भी बहुत अच्छी बन रही है। और यहाँ पर हम लोग सेकेंड टाइम ब्रिज पर आए हैं, सिग्नेचर ब्रिज पर। और दोस्तों ये बहुत सही ब्रिज है यहाँ पर, ये जब हम लोग यहाँ पर खड़े होते हैं तो यहाँ का एक्सपीरियंस बता देना चाहता हूँ यही है कि जब हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं तो हमें भूकंप जैसा फील होता है, जो कि मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, इसलिए मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगता है रात में। बस यार यहाँ पर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है, और हम लोग जैसे अभी पोल्यूशन के कारण दिख नहीं रहा है, नहीं तो फोटो में आ जा मतलब वीडियो में चल जाता है, दिख जाता, देख सकते हैं वीडियो में भी बहुत ही पोल्यूशन है। और ब्रह्मा उधर मैं मास्क लेके चल रहा हूँ, जैसा कि मैं अभी दिखा देंगे आप लोगों को। हाँ लालू बताइए मास्क, और दिल्ली का भी बहुत बुरा हाल रखा है मैं बता दूँ तो पॉल्यूशन के मामले में। मैं मास्क लेके चल रहा हूँ साथ में। यहाँ का एयर क्वालिटी अभी हजार्डनेस है, 1200 क्रॉस कर गया है, जो कि आज सुबह 1200 क्रॉस कर गया था, जो कि 750 इज सीवियर होता है, उससे भी ऊपर था, जो कि ये दिल्ली के बंदों के लिए बहुत ही बेकार बात है। हम लोग ऐसा लग रहा है कि एक टाइम में 20-20 सुट्टा पी रहे हैं, जो कि हम पीते भी नहीं, फिर भी हम लोग एज ए एयर के थ्रू ले रहे हैं, और एयर पॉल्यूशन पर ज़्यादा बकचोदी ना फैलते हुए ब्रिज की खासियत बताना चाहूँगा। इस ब्रिज का बजट कम से कम 1.5 से 2 हज़ार करोड़ का बना है, और ये लालू जैसा मुझे बता रहे थे इसमें पढ़ा है कि 18 से 20 सालों से बन रहा था, और आज ये बन के 1200 करोड़ का है, और कुछ 10-15 सालों से बन रहा था, 2004 से बन रहा था इसको 2008 में पूरा होना था, लेकिन 2008 से घिसते 10 साल और घिस गया, 2018 में बना। मैं आइए आपको ब्रह्मा से बात कराता हूँ, ब्रह्मा से पूछते हैं कि उनको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे लगा। और मेरे साथ कैमरे में अभी ब्रह्मा है। हाय, मैं हूँ फैजा खान ब्रह्मा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं जब यहाँ पहली बार आने के बाद मुझे लगता है कि मैं गोवा में सेम टू सेम मैं ऐसा ब्रिज एक देखा था, फिर मुझे वही महसूस कर रहा है कि मैं अभी गोवा पर हूँ, मतलब आपको एक्सपीरियंस फील हो रहा है गोवा जैसा ही अभी। हाँ, बिल्कुल। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब हम गोवा गए थे तब उस ब्रिज के ऊपर में स्कूटी अलाउ नहीं था, हम स्कूटी से गया था ना उधर ऊपर, फिर हमको पुलिस वाले ने मना किया था यहाँ पे टू व्हीलर्स अलाउ नहीं है, सो हमको वहाँ पे ऊपर जा नहीं पाया था, फिर यहाँ आने के बाद ऊपर से हम आ गए, मतलब मेरा सपना सक्सेस हो गया मतलब। और मैं बता दूँ तो हम इसको एज अ दिल्ली गवर्नमेंट को इनको टूरिस्ट प्लेस बना देना चाहिए हल्का सा, बिल्कुल, कि दिल्ली टूरिस्ट प्लेस में जाओ, यहाँ पे बंदे आके थोड़ा चिल आउट करें, सो दैट पीपल विल कम मोर। चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो खत्म करना चाहूंगा, बाय बाय, और इसी के साथ ओके गुड बाय, मिलते हैं किसी टाइम, गुड नाइट।